अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, मेहरबानी और खुशामदीद। आज के शो में हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाएंगे, कुछ राजदारी भी लाएंगे, कुछ मेहमानों के अजीब अजीब सी बातों को आपके सामने लाएंगे। लेकिन इसमें एक बात यकीनी है, वो ये है कि जो यादें आपके दिमाग में ठहर जाती हैं वो बड़ी कीमती होती हैं। दिमाग का, याददाश्त का वो पोर्शन बड़ा कीमती होता है जिसमें यादें होती हैं, और गुजरी हुई यादें, ये यादें लेकर मैं आज आपके सामने क्यों, मेरे मेहमान उन दिनों में मेरे साथ थे। उन मेहमानों को बुलाने से पहले आपके दिल में एक जज्बात है, एक जल्दी है, जल्दी से बुला लें, बातें करें, ये सब, मगर नहीं, नहीं। अबे डरिए, डरो नहीं यार, ब्रेक है प्यारे भाई, ब्रेक से वापस आते हैं फिर आपकी मुलाकात, तो लेते एक छोटा ब्रेक। आप मुझे मेरी अम्मा याद करा सकते हैं, इनकी अम्मा मुझे याद नहीं करा। हफ्ते में कितनी दफा लड़ते हैं? हफ्ते में कोई 8 से 10 दफा लड़ाई होती है। हफ्ते से ज्यादा लड़ाई होती है? हाँ, हाँ, दिन में हफ्ता है 7 दिन का। 7 दिन के हफ्ते में 9 दिन लड़ाई। क्या तुम लोग ओवर टाइम करते हो? खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ, कई जिंदगी से मुतमईन हो तू? नहीं, आपने ये क्या बात की, क्या मतलब है? औरतें इतनी जालिम होती हैं, तशद्दुद तो मर्द करते हैं औरतों पे। वो तशद्दुद होता है मीडिया पे, मीडिया पे मर्द जुल्म करते हैं, घर में तो सही कह रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। छोटे से ब्रेक पे हम गए थे, वापस आए हैं, और मैंने जिन आर्टिस्टों के बारे में बात की वो जिंदा और हयात माशाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। अभी उन्हें बुलाएंगे, आपसे मिलवाएंगे, और जो उनके बारे में कहा है वही आपके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर एक गुजारिश हमेशा करता हूँ, हमारे मेहमान असल में आपके मेहमान होते हैं। जैसा मैंने अपनी टीम का भी तारुफ हमेशा रोज जब शो करता हूँ टीम का तारुफ पहले करवाता हूँ। महबूब अशरफ ग्रुप आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, मशहूर गुलकार, अपना नाम बताओ। लकी अली। लकी अली सजाद अली के भाई। हमारी को होस्ट इस शो की जरीन गजल आपके साथ ही बैठी हुई। आप चलते हैं उनके पास और लाते हैं उन्हें और करते हैं उनसे वो गपशप जिसके मुंतजिर हैं आप और हम
सब बहुत ही प्यारे, बड़े अच्छे अखलाक, मोहब्बत, बड़ा ही अच्छा मिलना जुलना उन दोनों का रहा आपस में। जिंदगी की बेशुमार साल उन्होंने गुजार लिए, इंशाल्लाह और गुजारेंगे, बच्चे भी हैं, शादी भी की, इसी फील्ड में आके सब किया। और ये फील्ड बहुत मुश्किल है, कितनी मुश्किल है उनसे पूछते हैं जिन्होंने ये मुश्किल सफ़र काटा है, तय किया है। एक मशहूर जोड़ी जो कि जुड़ गए हैं साथ साथ, उनके नसीब, उनके ख्यालात और उनकी ज़िंदगी के कदम साथ साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छी जोड़ी, थिएटर में, टीवी पे, फिल्म में। आपकी भरपूर तालियां, फिल्म स्टार रैम्बो एंड साहिबा। बैठे हैं आप लोग, प्लीज तशरीफ रखें। ये आप ही का स्टेप में कर रहा था। अच्छा, हाँ जी। उमर साहब, आपने शो में बुलाते ही अम्मा याद करा दी। कौन सी वाली अम्मा? आप कभी भूल ही नहीं, आप मुझे मेरी अम्मा याद करा सकते हैं, इनकी अम्मा मुझे याद नहीं करानी। यार इतनी अच्छी खातून, इनकी अम्मा इतनी खूबसूरत लड़की आपको दे दी तो अम्मा कहाँ से दे दी? नहीं दे, दे नहीं, छीनी है। आपको पता है, आपको सारा पता है, सारा पता है आपको। उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की जी, बिल्कुल, बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से पीसी होटल में आपकी शादी हुई। आप बोल रहे हैं छीनी है, छीनते तो लड़के हैं गाड़ियों से मोबाइल। आपने इसे को मोबाइल समझा हुआ? नहीं नहीं, तो फिर जो छीना नहीं वो तो आपने तो एक तरीके से ही है, भीख मांगी है आपने। अगर बड़ी मैं, आप सही कह रहे हैं, इतना मांगा है इन्होंने मुझे, इतना मांगा है वो जैसे हम फकीरों को जान छुड़ा के नहीं के देते, ये लो जाओ पापा माफ करो। वो अम्मा ने एक दिन का, अरे भाई ठीक है, ले जाओ। मगर वो तारीख वारीख तय हुई सारी, एक बाकायदा शादी की तरह हुई, बहुत शानदार शादी, माशाल्लाह जी। वो वैसे ही मैं जरा आपकी शादी तो चलो सब पूरे पाकिस्तान को पता है कैसे हुई, कितनी मुश्किलों में हुई, मगर शादी के बाद इतने सालों के बाद भी अभी ये मोहब्बत बरकरार है, ये आपके लिए अभी भी शायरी करते हैं, आप रूठ जाएं तो मनाते हैं कि नहीं? नहीं, शायरी तो मैं नहीं करता आपके लिए। नहीं नहीं, अच्छा अगर आप नाराज हो जाए तो ये मनाते हैं, वैसे ही परेशान होते हैं जैसे पहले होते थे? हमेशा मैं ही मनाता हूँ। यार ये तो देखो ना, एक प्यार को कंटिन्यू करना है तो उसमें मनाने की कोई तो पहल करेगा। नहीं, कामयाब शादी का राज ही ये है कि मर्द को ही मनाना पड़ता है। हाँ। ठीक है ना, और आपको तो नखरे दिखाने चाहिए। हाँ। ना बनता है ना। हाँ, मेरा तो वैसे भी बनता है ना उमर साहब। हाँ, बनता 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 भाई, यार आप मानो बनता जी, ठीक है, शरीफ साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल बनता 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 भाई बनता। अच्छा अब भी वही नखरे हैं जो शादी से पहले थे या बाद में थे? मुझे इन्होंने हमेशा बीवी बीवी की तरह रखा है, लेकिन मैं रही हीरोइंस की तरह हूँ, और फिर इन्होंने मुझे हीरोइंस की तरह रखा है और मैं फिर बीवी की तरह बन गई। वाह मतलब ये है कि
थोड़ा ये ठीक हुए, थोड़ी मैं ठीक हुई, दोनों की ट्यूनिंग हुई है। दोनों का थोड़ी थोड़ी ट्यूनिंग हुई है। लेकिन रेमो भाई, आपको इन्होंने हीरो की तरह रखा कि नहीं रखा? इन्होंने मुझे या सिर्फ आपको शौहर ही समझा? नहीं नहीं, इन्होंने तो मुझे बस वाइपर की तरह ही रखा है। सफाई सफाई करता रहता हूं। नहीं, लेकिन आप उमर साहब, इनके वाइपर को आप लोग हल्का ना लें। मैडम निशो क्या पूरा घर साफ करके ले आइए यहाँ। घर का सबसे अच्छा डेकोरेशन पीस जो था वो आप ले आए, अब उनके घर में डेकोरेशन ही नहीं। नहीं, ये बात ना करें, वो शो देख रही होंगी, वो खुद बड़ी खूबसूरत हैं, वो माइंड कर जाएंगी। आपको पता वो है खूबसूरत हैं, अब ग्रेसफुल हैं, और मेरी तो बहन है, इसलिए आप कोई बात कुछ भी करें इधर से उधर से, ये तो आपको पता है मेरा उनका है प्यार। मैं तो इसलिए फंसा, एक तरफ भाई बैठा हुआ है उनका, एक तरफ उनकी बेटी, तो मैं तो, मेरा तो आज कोई नहीं है ना। काफी घरेलू सा शो हो गया, काफी घरेलू सा शो हो गया। घरेलू शो, वो आपके पीछे सब कजन बैठे हुए, पूरा माहौल बन गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। चाचू का बेटा, मामू का बेटा, ताया का बेटा, सारे सब सब लकी अली भाई के लिए तो माशाल्लाह जी, क्या बात है। तेरा मेरा कोई ना कोई ना है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। आपने बोला वरना कौन किसी के पीछे आता है, क्या बात है, क्या अच्छा बात, बात उम्दा बात है। इतना अच्छा म्यूजिक अब क्यों नहीं बनता? पैसे नहीं। देख परवीन, नहीं मजलूम, आखिरी मजलूम नहीं होती वो, ये वाली, ये वाली, वो वाली जिसकी 11 नंदे हैं। नहीं, आपको पता ही नहीं, मेरी नंदे 2 हैं लेकिन 11 पे भारी है। बार मैं जो बात अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ उसे उसको उधर आइए। अब तक आप दोनों हफ्ते में कितनी दफा लड़ते हैं, ईमानदारी से झूठे में? हाँ, अब पहले आप बताएं। हफ्ते में कोई 8-10 दफा लड़ाई होती है। हफ्ते से ज्यादा लड़ाई होती है? हाँ, हाँ, दिन में हफ्ता है, हफ्ता है 7 दिन का। 7 दिन के हफ्ते में 9 दिन लड़ाई। क्या तुम लोग ओवर टाइम करते हो? वाह। अच्छा, लड़ाई किन बातों पे होती है वो बताओ। छोटी छोटी बातों पे होती है, बड़ी बड़ी बातों पे हम लड़ाई नहीं करते। नहीं, वो छोटी जो छोटी छोटी आपकी बातें अब तो वो बड़ी बड़ी हो गई। नहीं, वैसे लड़ाई कहीं पर, मेकअप पे, शॉपिंग पे, सामान पे, डेकोरेशन पे, घर की काहे बात। अच्छा, पहले मैं कहती थी कि हमारी लड़ाई वैसे तो बहुत कम होती है, तो पहले मैंने बताना शुरू कर दिया नहीं होती नहीं होती, फिर अचानक ये हुआ कि हमें नजर लगना शुरू हो गई, हमारी लड़ाई होना शुरू हो गई। मैं कहती हूँ कि 7 दिन है ना, हमारी 10 दफा लड़ाई होती है। असल में अभी भी नहीं होती माशाल्लाह, कोई लड़ाई नहीं होती। और इसके इस बात की पूछने की वजह है, अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं भी बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि इन्होंने कभी मुझे तंग ही नहीं किया। अचानक मुझे कहीं जाना होता है, मैं कहता हूँ गाड़ी में बैठो, ये 5 मिनट में बैठ जाती हैं। ये नहीं कहती कि मैंने तैयार होना है, वो ऐसी परफेक्ट लिपस्टिक लगाती हैं चलती गाड़ी में, मेकअप गाड़ी में करने की आदत। फटाफट गाड़ी में ही तैयार होंगी। इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं अब मैं नहीं जा सकती, आप आधा घंटा मुझे, घंटा मुझे दें, ये 5 मिनट होना चाहिए यार। अच्छा, मैंने अगर नाइट सूट भी पहना हो ना, तो मैंने एक कलर वो ना बड़ा अच्छा फैंसी सा अबाया रखा हुआ है, मैंने कहा चले बस रास्ते में गाड़ी में पहन लिया और बस बैठ जाती हूँ, रास्ते में मेकअप कर लेती हूँ, 5 गाड़ी में मेकअप कर लेती हूँ। अच्छा, लेकिन अगर कभी रेमो भाई आपको कहें, आप उठें सो के और कहें कि भाई आज लंच में मैंने कुछ गेस्ट बुलाए हुए, आपने खाना बनाना है और घर में मासी भी ना हो, मेड भी ना हो, कुक भी ना हो, फिर क्या होगा? ऐसे कोई एक दफा होता है? अच्छा, अक्सर ऐसे होता है और बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, लेकिन इनसे ये तो आप इनसे पूछे ना कि कितनी देर में कितनी चीजें तैयार होती हैं। है भाई, एक आसान सी तरकीब है, अपने मेहमान लेके किसी और के चले जाओ। आसान सा काम है, लेकिन ये बना लेती हैं फौरन ना। अच्छा, ये कर लेती हैं। और कई दफा हुआ है कि मैं भूल जाता हूँ बताना कि आज किसी ने आना है।
वाह, ये वाकई ये बड़ी बात है, वरना कर लेती हूं। और झटपट झटपट वैसे बेवकूफ बनाने के अलावा और ख्याली पुलाव बनाने के अलावा मैं वैसे बहुत सारे खाने बना लेती। लेकिन ये मुश्किल काम होता है खाना बनाना, सर्व करना, और उसमें मेहमानों का भी ध्यान रखना, किस किस्म के मेहमान हैं। ये भी अब जाहिर बात है हर तरह का मेहमान हम लोगों के सर्कल में है। बिल्कुल है। बहुत कोई बहुत पॉश भी हैं, बहुत कोई अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो रोज आते हैं मगर फिर भी वो खाते हैं। और रोज आते और कहलाते मेहमान ही हैं। मेहमान ही, रोज मेहमान बन के आ जाते हैं। अच्छा, आपको मेहमानों के साथ बच्चे लाए वो अच्छे लगते हैं या बगैर बच्चों के आए? उमर साहब क्या मतलब, जितने हमारे बच्चों वाले मिलने वाले हैं वो फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं, बच्चे भाई बच्चे हैं ना, वो तो घर में घुसे एकदम कुछ तो ऐसे होते जैसे दड़बा खोल दिया। अब वो मैं बताता हूँ, एक हमारे हमारे एक जानने वाले हैं ऐसे, मैं बताता हूँ, नाराज होना है तो हो जाए हो जाए। अच्छा, जितने दोस्त ही आ रहे हैं ना उनके बच्चे तो आते हैं और वो हमारे बच्चों जितने ही हैं तो वो अपने कमरे में घुस के शुरू हो जाते हैं खेलना। गेम वेम खेलना। एक इनकी छोटी बहन है, माशाल्लाह उनके चार बच्चे हैं, आयशा आयशा आयशा, उनके एक जुड़वा है माशाल्लाह, और दो उससे जरा बड़े, एक बड़ा जरा समझदार हो गया। तो हमारे घर में कोई चीज अगर गुम गई हो मिल ना रही हो तो जिस दिन वो आते हैं वो मिल जाती है। वो क्या करते हैं बन में वो चीज साथ ले आते हैं। नहीं, साथ नहीं ले आते, उंगलियां खेल रहे हैं। अच्छा उमर साहब, यहीं पे हो गई ना लड़ाई स्टार्ट। मैंने आपकी बहन के बारे में कुछ कहा है जो आपने मेरी बहन के बारे में कहा है? कहो ना, कहो, यही तो चाह रहे हैं, कहो ना। ये आपने इसीलिए पूछा, आपको पता था कि कौन आता है घर में जो तूफान मच जाता है? बाखुदा मुझे नहीं। अच्छा, वो माशाल्लाह इतने शरारती बच्चे हैं कि एकदम वो आते हैं ऐसे जैसे किसी तो होते हैं, जैसे किसी मिशन पे हैं, वो यूं आते हैं। वाह, किसी मिशन पे हैं। उन्होंने एक दफा सलाम कर दिया, अस्सलाम वालेकुम, मुझे रैम्बो भाई कहते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रैम्बो भाई, मदिया बाजी फलाना फलाना। उसके बाद वो एक इधर चला गया, एक ऊपर चढ़ा हुआ उसको उतारो, उधर घुस गया, एक सोफे के नीचे घुसा हुआ, माशाल्लाह एक रौनक लगती है, मजा आता बच्चे तो यार। और अगर वो महीने में दो दफा ना भी आए तो फिर हम बोर भी होते हैं। बोरिंग भी होता है। अच्छा, लेकिन हमारे बच्चे जब ज्यादा छोटे होते थे तब किसी के घर गेस्ट चले जाते थे तो यूं बैठते थे बिल्कुल गेस्ट की तरह, जी आप कुछ लेंगे बच्चों? नहीं थैंक यू, हमेशा ऐसे बैठते थे। क्या बात है, वो मैंने असल में माँ बाप से सीखते बच्चे, मैंने डराया हुआ था, माँ बाप से सीखते बच्चे, उनके माँ बाप क्या करते हैं अब बताओ। आप अपने बच्चों की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो हाई बड़े प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं बच्चे। नहीं, मेरी सिस्टर भी बचपन में ना इसी तरह शरारती होती थी, यहाँ पे सोफों पे कूदना और पीछे इधर। हाँ, मैं देखा तो आपने तो देखा होगा बहुत दफा। अच्छा, एक बात दूसरी बात ये है कि आप मुझे और चीज बताइए जी, जो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बाहेसियत शौहर के आपके ऊपर होने वाले मजालिम को एक तरफ करके खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ कैसी जिंदगी से मुतमईन हो तू? नहीं, आपने ये क्या बात की, क्या मतलब है औरतें इतनी जालिम होती हैं? तशद्दुद तो मर्द करते हैं औरतों पे। नहीं नहीं, वो भाई वो कोई और बात है। वो तशद्दुद होता है मीडिया पे, मीडिया पे मर्द जुल्म करते हैं, घर में तो सही कह रहे हैं। मैंने वायलेंस की फरमाइश ऐसे सुनी। अच्छा,
मतलब ये शॉपिंग करना कोई जुल्म है? नहीं नहीं, इंसान ये तो हक है, नेकी है, हक है। ये शॉपिंग एक नेकी है, एक सवाब है ना। लेकिन रैम्बो जुल्म फिर जुल्म है। हाँ, वो है। बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। बेशक। ब्रेक फिर ब्रेक है, सामने आता है तो लिया जाता है, लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ब्रेक। और 4 घंटे का सफर, ये सो रही हैं और मुझे म्यूजिक चलाने की इजाजत नहीं है, और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, मुझे नींद आ जाए तो रुलाएगा। एक मिनट, आप प्लीज मुझे केस मैं हल करूंगा, सजा मैं दूंगा, माफ मैं करूंगा जी। तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी। आमीन, अल्लाहु आमीन। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का। दिन ये देखे सपना किसी का। अगर ये सिचुएशन आपके ऊपर आए जी, तो आप कैसे कहेंगे इसको, किन अल्फाजों में कहेंगे कि मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। ये तो मैं कई दफा कह चुका हूँ सचमुच। अब देखा, जब शादी को ज्यादा साल हो जाए ना, फिर इस तरह की हरकतें शुरू हो जाती हैं। ऐसे गाने नॉन रोमांटिक किस्म की। एक बार और कह दीजिए ना, कुछ शेर कह दीजिए उनके लिए, उनके हुस्न पे उनकी तरफ देख के कुछ कह दीजिए। इनकी तरफ देख के एक मिनट, कैमरा देखिए जी जी, एक्सप्रेशन। कट, कल करेंगे बात। नहीं, पॉज नहीं लेना। नहीं, इतना पॉज यार, मूड तो नदीम से भी आगे निकल रही है। अच्छा, एक चांस और जी, एक चांस दे, वन मोर टेक जी, टेक करेंगे। वो मैं ये सोच रहा था कि इनको घर वाले नाम से बुलाऊं या दूसरे नाम से, मैं ये उस चक्कर में किसी था। तीसरे से बुला रहा हूं, तीसरे नाम से। ओके, प्यार में जानू। अच्छा, सुंदरा। अच्छा, मदी, तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मुझे वो चली दिया। और वो चली गई। चली क्यों गई? इधर ही है। नहीं, तुम मेरी जिंदगी में आई तो वो चली गई। वो चली, नसरीन चली गई। नहीं, तुम मेरी जिंदगी में आई और कितनी चली गई। क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर, अच्छी बात है। मैं डर की वजह से नहीं कह रहा था। हम ये गाने की तरफ लाना चाह रहे हैं आपको, आपने गाना सुना दिया आपको, अब आप ऐसी इरेलेवेंट बात कर रहे कि गाना उसमें वो फिर गाएगा तो गाना ऐसे आगे लगे। सिचुएशन पे, हाँ, सिचुएशन पे आके लगे। हाँ, यस। अब गाना चलेगा? नहीं नहीं, जैसे ही आप उस क्यू पे आएंगे वो खुद बखुद गाना लगेगा। अच्छा, मुझे चार्टों पे है कुछ। आप कुछ इतना रोमांटिक डायलॉग उनसे बोलते रहेंगे, उसको खुद ही क्यों मिल जाएगा? और अच्छा, खुद क्यों मिलता जाएगा। चलें, ठीक है, आए। अच्छा, मैंने आपके बगैर कभी सोचा ही नहीं कि कोई मेरी जिंदगी में, पहले भी नहीं सोचा और अब भी नहीं सोच ही नहीं सकता मैं कि आपके बगैर मेरी जिंदगी में कोई और आएगा। तेरा मुझसे कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। तेरा मेरा कोई ना कोई नाता है, वरना कौन किसी
उसे देखते दिल को चैन आता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है, पीछे आता है। गुड सिचुएशन आपने बोला, वरना कौन किसी के पीछे आता, पीछे आता है। क्या बात है, क्या अच्छा बात, बात उम्दा बात है। इतना अच्छा म्यूजिक अब क्यों नहीं बनता? पैसे नहीं है लोगों के पास। उमर भाई अब उस वक्त पैसे नहीं थे, काम अच्छा था, अब पैसे बहुत हैं, अब काम नहीं हो रहा। आप फिलहाल ये मेज बना ले, मैं इसकी पे। अब आपको इधर की तरफ देखेंगे तो आपको एक कटहरा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है जी। पहले इस कटहरे, इस कटहरे का मकसद है आपसे सवालात पूछने, पांच आपसे, पांच इनसे पूछे जाएंगे, आप पूछे जाएंगे, उसमें आप जो कहना चाहें, दिल की बात, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, बता दूं। तो आप हकीकत बता दें, प्यार में वो इजहार कर दें, वो शिकायत की तरफ इशारा कर दें, जो आपका दिल चाहे। अच्छा, मैंने ये मार्जिन है कि हम बात को प्यार में भी कह सकते हैं। यस। मैंने कहा कहीं सच बोलना है तो घर भी जाना है, शो में ही नहीं बैठे रहना यार वो बात नहीं है, बात इस तरह से कहो कि घर भी चले जाओ और बात भी उन तक पहुंच जाए, पहुंच जाए। ओके, तो सबसे पहले इस अदालत के कटेरिए में मैं मुल्जिम अफजल खान और जान रैम्बो को पेश होने के लिए कहता हूं आपकी पुरजोर तालियों में। ये पहला मुल्जिम है जो भरपूर तालियों में आया है अदालत, ये कैसी बात। जो तालियों में आते हैं वो फिर गालियों में जाते हैं जी। ओ, मैं कहने वाला था टच वुड से के दिया अच्छा। नहीं आपने लिहाज किया ना, मैंने लिहाज नहीं किया। लिहाज नहीं, आप आपका तो लिहाज रखती नहीं है जी मुल्जिम जान रैम्बो तुम्हारे सामने जो बैठी है वो तुम्हारी वाइफ है जी। आंखें झुका के बैठो बीवी से कह रहा, इनसे कह रहा। अच्छा, उनसे। और आप इंतहाई नेक परवीन बन के इन बातों के सवालात का जवाब देंगी क्योंकि आप जज में हैं। नेक परवीन नहीं, मजलूम, आखिरी मजलूम नहीं होती वो, ये वाली, ये वाली, वो वाली जिसकी 11 नंदे हैं नहीं आपको पता ही नहीं, मेरी नंदे 2 हैं लेकिन 11 पे भारी है वो एक और एक 11 है ना। हाँ 11 लीजिए मुल्जिम, तुम्हें पहले सफाई का मौका इसलिए दिया जा रहा है। पहले सफाई करा ले उमर सर वो तो ये करते रहे हैं, पहले देखा है मैंने इनको ड्रामे में भाई जी। आप कौन से 5 ऐसी बातें हैं जो अपनी बीवी के बारे में कहना चाहते हैं, अदालत आपको तहफुज यकीन दहानी कि आपके साथ मार पिटाई, हाथापाई या इनके रिश्तेदार आप पे हमला नहीं करेंगे और अदालत घर साथ भी जाएगी नहीं अदालत घर जनाबे वाला अदालत मुझे घर साथ तो नहीं ना जाएगी फिर जनाबे वाला मुझे अपनी बीवी से कुछ शिकायतें हैं। अदालत आलिया, अदालत फिरदौस अदालत से इजाजत देती है नहीं सुल्ताना। पहली शिकायत तो मुझे इनसे ये है कि ये फिल्मी हीरोइन होने के बावजूद इनको म्यूजिक से कोई लगाव नहीं है, ये नाइंसाफी है। अदालत आपसे पूछती है कि क्या वजह है फिल्मों में तो तू काम कर लेती है और म्यूजिक से दामन क्यों चुरा रही है वो जज साहब दरअसल बात ये है कि मुझे खुद नहीं पता, क्या पता नहीं म्यूजिक से मैं क्यों दूर हो गई हूँ,
आप म्यूजिक से दूर नहीं हैं। अगर जनाबे वाला आपकी बात काट रहा हूँ मैं, म्यूजिक से हैं, दूर हैं। आप देख रहे हैं मुलजिम जैसा बात कर रहे हैं। तो मुलजिम तो इस वक्त वो है। मैं कह रहा हूँ मैं मुलजिमा से बात कर रहा हूँ, जज साहब, जज से बात कर रही हूँ। हाँ। एक मिनट आप प्लीज, मुझे केस मैं हल करूंगा, सजा मैं दूंगा, माफ मैं करूंगा। जी तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? देखिए बात यह है कि इस वक्त मजलूम वो है, शंकायत उनकी है। आप तो अपने टेक्निकल प्रॉब्लम बता रही हैं कि मैं म्यूजिक से इतनी दूर क्यों हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उस ये कह रहा है कि ये म्यूजिक से दिलचस्पी नहीं रखती। मुझे गाड़ी में बैठ के बगैर म्यूजिक के गाड़ी चलानी पड़ती है इनकी वजह से। दाम दाम दाम। नहीं। जब दुनिया में गाड़ी नहीं आई थी उस वक्त भी गाड़ी में म्यूजिक लगा था। नहीं, उस वक्त मैं खुद गाया करता था, गुनगुनाता था। वही ना। अब ये मुझे ना, मुझे ये स्लो गाना सुनने देती हैं, ना मुझे ये फास्ट गाना सुनने देती हैं। कहती है म्यूजिक बंद करो जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा नहीं लगता तो 60-70 फिल्में की हैं और हर फिल्म में 3-4 गाने की हैं, वो क्यों किए? ये तादाद क्यों है? आप पे ये तादाद जो बता रहे हैं, ये तादाद आ रही है आपकी शख्सियत में कि आप गाना लगाने नहीं देती, गुनगुनाने नहीं देती। एक मिनट मेरी बात सुने। सफर में इंसान ने सोना होता है। सफर में सोना होता है? हाँ। जी। नहीं भाई, सफर में ना सोए। मतलब ये गाड़ी ड्राइव कर रही होती है ना। ड्राइवर मैं हूँ। हाँ तो वो उसको भी नहीं। ये तो बेगम साहिबा हैं। उमर भाई आपको पता है? आपको एक बात, उमर भाई नहीं, जज साहब। जज साहब, सॉरी, जज साहब, आपको पता है कि मेरे माँ बाप जो है वो इस्लामाबाद में होते थे, अल्लाह उन्हें खरी के रहमत करे। मुझे हर महीने जाना पड़ता था और 4 घंटे का सफर, ये सो रही हैं और मुझे म्यूजिक चलाने की इजाजत नहीं है और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। जो नींद आ जाए तो रुलाएगा। जब साहब अभी रिटायर हो गए ना तो झगड़ा शुरू कर देंगे। लेकिन ये कोई जुल्म नहीं है, इसलिए क्योंकि गाने सुनने के बजाय आप उनसे बातें भी तो कर सकते हैं। ये बात हुई ना, ये बात हुई। हाँ। ऑब्जेक्शन। ये मेरे वकील है ना। आप सुनिए, मैं इस वक्त अदालत का जज हूँ। जी। ये आदमी अगर गाना नहीं सुनेगा, अब तू कौन सा देवदास है तू गाना जिनाबे वाला, लॉन्ग ड्राइव पे नींद आ जाती है, गाना ना हो। मत सुने। आपको आसान तरीका गाड़ी में गाने लगाने का। जी। आप इन्हें मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर के पास चले के जाएं। ये कोई कपड़ा, कोई डिजाइन, कोई पर्स, कोई मेकअप देखने लिए उतरे, दो गजलें खड़का देते। आंख बचा के, आंख बचा के, आंख बचा के। जज साहब, इसका मतलब है कि मैं 8-10 दिन के बाद इस्लामाबाद पहुंचूंगा लाहौर से। तो इनको मैं 2-2 गजलें सुनने के लिए रुकूंगा तो काफी टाइम लगेगा। या 5-5 मिनट ये गजलें हैं। हाँ जी। तो ये 5 मिनट में शॉपिंग मॉल से बाहर नहीं आएंगी? आएंगी ना। कैसे? एकदम शॉपिंग मॉल के बंद होने का टाइम हो तब वहां पहुंचो। और शिकायत? दूसरी शिकायत ये है जी कि टीवी आवाज बंद करके मुझे देखना होता है रात 9 बजे के बाद। मैं गूंगा टीवी देखता हूँ। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। जी। आप अपनी जबान ही कटवा दें बस। खत्म। कोई ऑर्डर नहीं, कोई जवाब नहीं। इस शख्स के साथ इतना अन्याय, इतना जुल्म। नहीं देखें। क्यों? अदालत पूछे वो आए। रात बनी है सोने के लिए, ठीक है ना? रात बनी है सोने के लिए, गाना रात बनी है सोने के लिए, तो सोया जाए क्यों ना?
क्यों ना सोया जाए, रात बनी है सोने के लिए तो क्यों ना सोया जाए, और सोना बना है पहनने के लिए तो क्यों ना पहना जाए। और मोबाइल बने छीनने के लिए तो क्यों ना छीना जाए। और शॉपिंग बनी है करने के लिए, क्यों ना की जाए, की जाए। वाह 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 वाह। और टीवी बना है देखने के लिए, क्यों ना देखा जाए। बात तो ये है, टीवी का स्विच होता है बंद करने के लिए, क्यों ना बंद किया जाए। क्यों ना टीवी किसी दूसरे घर में रखवा दिया जाए। अच्छा, बीवी को कभी कभी मैके भी चला जाना चाहिए। एक और बड़ा जुल्म मुझे याद आया जज साहब। जी जी। जब से हमारी शादी हुई है एक दिन भी अपनी अम्मी के घर ये नहीं गई। एक दिन भी ये नहीं गई। 24 घंटे का टॉर्चर। आपकी अम्मी से अदालत बात कर, उनको कहा बच्ची के घर भी जाया करो। अच्छा, मैंने अपने गुंडे भेज दिए, वो अम्मी को छुपाने चले गए। आखिरी सवाल शिकायत नहीं, एक इल्जाम जो है ना, लाहौर के प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन भी लगाते हैं, वो कहते हैं जी इनका पंखा खराब होता है तो भी ये सही कर लेते हैं, इनका नलका खराब होता है वो भी यही सही कर लेते हैं, ये फिल्म स्टार है, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर तो इनके घर पे हसरत ही रह गई कि कभी जाके कोई काम करें। ये बात सही है, बहन ठीक कह रही हैं, उन लोगों को शिकायत है, और अगर मैं उनको बुलाऊं भी कि मैं कहता हूं ये काम करो, और वो इतने ढीले होके और इतना परफेक्ट नहीं करते, मैं उन्हें कहता हूं इधर हटो, मैं उन्हें खुद करके दिखा देता हूं कि ऐसे होता है। परफेक्ट हस्बैंड। ये अदालत आपके ऊपर लगाए हुए इल्जामात को इल्जामात नहीं समझती, क्योंकि आप पे इल्जाम नहीं लगा, आपने जो इल्जाम लगाए वो मियां बीवी के रिश्ते में छोटी मोटी खटपट तो होती है। अदालत चाहती है आप अपना घर बसाएं। हाँ जी। और इतवार को घर का सारा काम क्या करें। वो तो मैं करता हूँ। और करते हैं, और हफ्ते को उसकी लिस्ट बनाया करें, जुम्मे को जुमा पढ़ने जाया करें, जुम्मे रात को लंगर लेने जाया करें, ये आप हुकुम दे रही है। मैं बाइज्जत बरी हुआ। आपको बाइज्जत से भी ज्यादा करता हूँ। अरे थैंक यू, तालियां। तालियां। मैं भी कसूर हूँ जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ कुछ। अभी तो मैं ड्यूटी पे नहीं आया। अच्छा, सॉरी। अभी तो अदालत लगी ही नहीं। अभी तो गाड़ी लगी है, बाहर गाड़ी लगाई। अच्छा। घर में बहुत अच्छा खाना रख के, दरवाजे लगा के ये गाने सुनाते और जाने भी नहीं देते। तूने तो हमारे जख्म खोल दिए। दूसरे दिन आपको फोन भी करते हो फनकार कि यार तू पागल तो नहीं हो गया, साडा पुराण देखी जा। इंतहाई एहतराम के साथ आपके खातून है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस जगह पे आए और आपके जहन में क्या है वो बताइए, इनसे आपको क्या कंप्लेन। मैं भी कसूर हूँ जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ कुछ। अभी तो मैं ड्यूटी पे नहीं आया। अच्छा, सॉरी। अभी तो अदालत लगी ही नहीं। अभी तो गाड़ी लगी है, बाहर गाड़ी लगाई। अच्छा। ठाक ठाक ठाक। मुलजिमा मदिया, तुम्हारे शौहर मजलूम रैम्बो ने
एक फलस्तीनी की हैसियत से दरख्वास्त भेजी है। उसने कहा है, उसने कहा है हमल मजलूम शौरा अजवाज ताल्लुकात कशीदगी और बीवी उल मजलूम शौरा और जुल्म बर्दाश्त नाकाबिल बर्दाश्त नाकाबिल बर्दाश्त। शौर अपनी दरख्वास्त लेके अदालत में आया है, आप उसे टीवी रेडियो गाना गाड़ी में गाना लगाना और दूसरे मजालिम का मुजाहरा करती रही है। जबरन उसका गला घोटा गया, उसकी आवाज को बंद किया गया। आजादी ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता, ये जम्हूरियत नहीं है जी। इस एक्ट के तहत आपसे पहला सवाल कि क्या आपको भी इस शोहर से कोई शिकायत है? जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत ज्यादा। बयान की जाए प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। इतने टाइम में समेट लो जितना भी है। पहली शिकायत तो मेरी ये है कि ये कहीं जाना होता है या घर में भी मुझे अच्छा लगता है कि इंसान ने अच्छी ड्रेसिंग की हो, कहीं जाने के लिए ये ऐसे ही निकल जाते हैं बगैर कपड़ों के। या आपने अलग बात कर दी है। बगैर उमर साहब, बगैर अच्छे कपड़ों के। अच्छा बगैर अच्छे कपड़े। अच्छे क्या होते हैं, कौन से होते हैं? मतलब अगर आप कैजुअल ड्रेसिंग भी करें तो उसमें भी एक स्टाइल होता है। भैया आप हीरो हैं, मैं इनसे कहती हूँ जब कभी तैयार होकर हम बाहर निकलते हैं, मैं कहती हूँ कि प्लीज ऐसे लगे कि मेरे साथ आए हैं, ये ना लगे कि मेरी गाड़ी के साथ आए हैं। आप अगर इनके जहन में ये चीज है तो आप अपने कपड़ों पर परफ्यूम नहीं, मोबाइल ऑयल के धब्बे और पेट्रोल के टप्पे लगा लिया। बीवी चाहती है खुशबू आ रही हो, तैयार हो, हीरो लगे, आप क्यों ऐसा करते हैं? दो दूसरी शिकायत जी। रात को एक अजीबोगरीब बंदा जिन सा फिरे जा रहा होता है रात को। कौन है वो? उसकी थाने में शिकायत करो। कौन है वो, है कौन? ये है वो, ये है। ये रात को आप घर में क्यों फिरते हैं? जब आपको वो घर रहने के लिए दिया हुआ है कि फिरने के लिए दिया हुआ है? नहीं, आप क्या रात को उठ उठ के सामान गिनते हैं? नहीं, दिन को मैं रहता हूँ घर में, रात को जब ये सो जाते हैं तो मैं चौकीदारी करता हूँ। और इनको बताए बगैर? हाँ जी, मैं ये जल्दी सोने की आदी हैं और मुझे नींद जो है वो 3-4 बजे से पहले नहीं आती, और बाज दफा तो फजर पढ़ के फिर मैं सोता हूँ। तो घर में किन्नू का ठेला लगा लो। क्या बात, जैसा वो आधी रात को खरीदेगा कौन, सब सो रहे होंगे। अपने बच्चों को सुबह गिफ्ट दे दिया करो। पापा किन्नू लाए, पापा किन्नू लाए। लेकिन ये शिकायत फजूल है इसलिए क्योंकि उनका घर है, उनका हक है, वो घूमे फिरे सोए जो दिल चाहे करे। तो सोते हुए बंदे को तो ना जगाएं। सोते हुए अब इनकी नींद इतनी कच्ची है, मुझे तो यूं यूं उठना पड़ता है। जज साहब तीसरी शिकायत बता बता बता। और आप भी उसके गवाह हैं। मैं गवाह? आप उसके चश्मदीद गवाह हैं। वो क्या है? घर में बहुत अच्छा खाना रख के, दरवाजे लगा के ये गाने सुनाते हैं। जी।
हमारे जख्म खोल दिए। हम बजा से खुदा सी दावत में फंस चुके हैं। जो खाने से पहले हमें 100 गाने सुनाए। अल्लाह माफ कर दे वो खाना आते हमें। अल्लाह ऐसा ऐसा गाना सुना हर निवाले पे सोचा है कि या अल्लाह हमारा क्या हुआ। बहरहाल इस बात से हम इत्तेफाक करते हैं खिलाने के बाद गाना मत सुनाया करो। जो करना हो मेहमानों पे फायरिंग हो पहले कर दो भाई। ये ताकि आदमी उसी हिसाब से खाए। लेकिन कितनी गलत बात है। वो कितना अरेंजमेंट करते हैं गानों का प्रोग्राम रखते हैं खाना खिलाते हैं अपने अपने, अपने गाने सुनाने के मतलब मेहमान नवाजी तो करें। फिर अदालत आज भी उनसे गाना जरूर सुनेगी। ऑर्डर 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 पक्का ऑर्डर तक कुरियर जी दिए जाने बस तू सानू एक गाना सुनाएगा जे नहीं सुनाएगा तो फिर मैं तेन सुनावांगा। वो गाना जो मैं गाता हूँ वो मैं अपने घर में ही आप लोगों को जबरदस्ती सुना सकता हूँ। यहाँ इतना ओपन ये पूरे पाकिस्तान ने दुनिया ने सुनना है वो कहेंगे यार ये इतना बुरा गाता है। उमर साहब मेरी कोई और शिकायत नहीं आप सुने। ओ याद कर रहे हैं अभी तो तीन ही हुई हैं। अभी तीन हुई हैं दो सुनाऊं। हाँ जी ब्रेक पे तो नहीं जाना आपने। नहीं अभी जाएंगे। अच्छा वो एक शिकायत और है कि ये एक मिनट रुको। मैं उन फनकारों को देखता हूँ और उस चैनल पे वो सारे फनकार होते हैं लोकल वो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं मैं उनको एंजॉय करता हूँ। वो दूसरे दिन आपको फोन भी करते हैं वो फनकार कि यार तू पागल तो नहीं हो गया साडा पुराण देखी जा रहा। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए मुझे उम्र कैद की सजा चाहिए। अच्छा जी आपके सिलसिला टूटा था और ब्रेक आ गई थी जी, तो जी। सवाल रहे हैं अब दो दो रह गए हैं जी। चौथा मेरी चौथी शिकायत इनसे ये है कि लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं थकते भी नहीं और कहते हैं कि तुमने भी नहीं थकना। ये क्या बात हुई क्या पैदल लेके जाते हैं। जज साहब बैठ के गाड़ी में बैठ के भी कुछ थक जाता है। हाँ नहीं 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 आप गाड़ी में बैठने से थक जाते हैं तो ये तो कोई बात ना। जज साहब आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे आप इंसाफ करें मुझे इंसाफ चाहिए। कब कितने मजे चाहिए यही बस कोई दो मिनट बाद नहीं लेकिन जज साहब इंसाफ तो इनको करना चाहिए वो उन्हें लेके जा रहे हैं। अगर वो इन्हें नहीं लेके जाते उन्हें बताए बगैर घर से निकल जाएं फिर मैं पूछूंगी इनसे ये कैसे घर में इंतजार करेंगे ना जब बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। तो मेरी बात सुने किसी मजेदार अच्छी जगह पे लेकर जाए ना ससुराल ले जाते हैं। अच्छा नहीं देखा देखा ससुराल कौन सा चीचा वतनी में है जाके इस्लामाबाद जाती हैं साथ ही एबटाबाद है साथ ही मरी है लोग वहां इतने पैसे खर्च करके जाते हैं साथ ही 5,000 मील के बाद लंदन है जी है? फिर भी बीवी की शिकायत है शिकायत है कि आप उन्हें घुमाने लेके जाते तो आप इनको यानी कहते हैं इस पे क्यों ध्यान देते ये क्यों थकी हैं मैं मुझे आप गाड़ी को धक्के लगवाते हूँ इनसे इनसे कभी भी नहीं। नाजुक सी लड़की है नाजुक सी आप प्लीज आप और आपकी गाड़ी मैंने देखी है आपकी मैंने गाड़ी देखी माफ कीजिएगा वो बस है
आखिरी प्लीज अपना मतलब बताइए जी। आखिरी शिकायत ये कि कभी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खत्म करो वैसी बात ना। कभी मैं इनके साथ बड़े अच्छे मूड में टीवी देखने बैठ जाऊं, ये वो चैनल लगाएंगे जो प्रोग्राम दुनिया का कोई बंदा नहीं देखता, डिस्कवरी का नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी, आप तो अब तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कह रहे हैं। अच्छा, इससे भी आगे जाएं। कौन सा? वो एक पता नहीं कौन सा हड़प्पा चैनल है, कौन सा, मुझे तो नाम भी नहीं आता उसका, हड़प्पा, उसमें पता नहीं कौन सी जुबान में ना एक दूर बैठा हुआ एक बूढ़ा सा बुजुर्ग बाबा जो है ना वो ऐसे वो बजा रहा होता है, वो क्या होता है, हाँ, ये हड़प्पा की बात कर रही है ना, हड़प्पा, मैं बताता हूँ, एक तारा, एक तारा, एक तारा, एक तारा, एक तारा वो बजा रहा होता है, वो लगा के बैठ जाते हैं। ये असल में एक तारा इस्माइल तारा को समझते हैं। अच्छा सर, मैं जरा सफाई बयान कर सकता हूँ? आप सफाई करो। मेरी बात सुने, सफाई, मैं देखता हूँ अपने सारे, एक मैं मुल्जिमा कुछ कह रही है एक्स्ट्रा, सफाई से इनका इतना गहरा ताल्लुक है ये सफाई नहीं भूल सकते। ओए होए वाइपर मैं समझा, पता नहीं इतना इतना सफाई पसंद है, चलते चलते रास्ते में मुंह से कूड़ा उठा लेता, कागज चुन लेता है, सफाई पसंद आती है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा पाकिस्तान के वो वाहिद आदमी है जो इस चीज से फिर मशहूर, कोई नहीं है जैसा फिर सफाई, सफाई जैसा। वो मैं बताना चाहूंगा कि मैं कौन से चैनल देखता हूँ जो इनको समझ नहीं आते, वो चैनल है पाकिस्तान के इलाकाई चैनल, मैं सारे देखता हूँ, मुझे अपनी सारी इलाकाई जुबानों से मोहब्बत है और वो इनको समझ नहीं आती और ये माइंड करती हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उन फनकारों को देखता हूँ और उस चैनल पे वो सारे फनकार होते हैं लोकल, वो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, मैं उनको एंजॉय करता हूँ। वो दूसरे दिन आपको फोन भी करते हैं वो फनकार कि यार तू पागल तो नहीं हो गया, साडा प्रोग्राम देखी जा रहा है। ये थी मेरी पांच शिकायतें और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मुझे उम्र कैद की सजा चाहिए। यानी कि कंप्लेन खुद कह रही है कि मुझे इस शख्स से कहे मुझे उम्र कैद की सजा चाहिए। वाह वाह, उम्र कैद का मतलब है दोनों मियां बीवी, अल्लाह आप लोगों को लंबी उम्र दे, अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं। आमीन। अदालत आपको दरख्वास्त करती है, आप आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए अपने। तो अब हम आपको कब देख रहे हैं फिल्म में? मुझे इंशाल्लाह उमर भाई बना रहे हैं, वेरी सून मैं बना रहा हूँ, उसमें ये है। और तुम मुझे बाहर यहाँ पे गुलबर्ग पे पैन वाले की दुकान नहीं है उधर कहीं मिल लेना, वहीं चाय वाय पी लेंगे, वहीं बातचीत कर लेंगे। अच्छा, हम तो समझ रहे थे ये शो हो रहा है। नहीं, शो नहीं। अच्छा, ये एक मजाक है। ये एक मजाक है। आप आए जी, आपसे मैं तो बहुत मरतबा इंटरव्यू और आप मेरा और मैं इनका इंटरव्यू और ये मेरा इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन मैं आज एक बीच में से हट के एक नया एक वो करना चाह रहा हूँ इस शो में कि ऑडियंस भी आपसे कोई सवाल बराहे रास्त पूछे। अच्छा, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से दो सवाल आपसे और दो सवाल साहिबा से करेंगे जी। तो जी स्टार्ट। मेरा नाम जमान मलिक है, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम जीना पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट। अच्छा माशाल्लाह। मैम से मेरा एक सवाल है जी। मैम, आपके हुसन का और आपकी कम उम्र दिखने का क्या राज है? माशाल्लाह आप जवान बच्चों की माँ हैं। कितने मेरे बच्चों की शादियाँ हो गई है। नहीं, मेरे जितनी उम्र होती है इंसान की उतनी दिखती है, क्योंकि मेरी शादी जब मैं 19 साल की उम्र में हो गई थी, उमर साहब आपको तो पता ही है। मैं काजी था उसका। आप
बात है। आप शादी में शामिल थे और आपने इनकी अम्मी को मनाया था। आया ये मुझे ये हमारी गलतियां हैं। अच्छा ये होंगी उस वक्त मैं कह रहा हूँ 19-20 साल की होंगी। तो इसलिए अगर कोई इस तरह इंसानों वाली एज में शादी कर लेना इंसानों क्योंकि हमारी तो माशाल्लाह हीरोइंस एक्टर वैसे बाकी में छोटी थी जब शादी हुई इसकी एज कम थी ये बात सही है। चले तो इस वजह से बस फिर बच्चे जब अगर छोटी एज में शादी कर लें तो जो बच्चे होते हैं वो साथ अब बहन भाई लगने लग जाते हैं माशाल्लाह। दूसरा मुझे आपसे ये सवाल करना है कि मुझे पता चले कि आप की सास ने आपको मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि आपकी सास ने आपको सलामी में क्या दिया था। मैंने नेट पे सर्च किया तो पता चला कि आपकी सास ने आपको सलामी में वाइपर दिया। उन्होंने सलामी में नहीं दिया था मुझे मेरे हमजुल्फ होते हैं जी। हाँ मेरी जो सिस्टर है उनके हस्बैंड जो वो उस वक्त उनकी मंगनी हुई थी उनकी शादी नहीं हुई उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था एक वाइपर छोटा सा। देखो बात तो उनकी सही है आपकी ठीक है बात लेकिन वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आई एम शहजाद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जिन्ना पॉलिटेक्निक। सर आपको कभी मौका मिले लाइफ पार्टनर चेंज करने का तो आप मतलब किसे तरजीह देंगे ज्यादा? कोई और मुझे मौका मिले जी क्या खाएंगे आप? नहीं मैं चेंज तो नहीं करूंगा ऐसी दो और ले आऊंगा काम चल जाएगा। मगर अच्छा, जब कभी मौका मिला तो ना जब, वो मौका देगी अच्छा, कब जब भी लगाया बीच में। ये कहते हैं तुम इतनी अच्छी हो इतनी अच्छी हो इतनी अच्छी हो तुम्हारे जैसी कम से कम 8-10 होनी चाहिए। आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम रामू भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रामू भाई की वाइफ जी। अच्छा ना भाभी ना बहन रैम्बो की भाई। वाह जी वाह। रैम्बो भाई मेरा आपसे ये सवाल है अगर आपको जिंदगी में मौका मिले कुछ और करने का अदाकारी से हटके तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ और तो मेरा ख्याल नहीं कर सकता क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाया हमें यही काम आता है। आसान जवाब है ये इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। देखो रैम्बो बात क्या है जी सर मेरे पास सब फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं यहाँ बैठा हुआ था मेरी कुछ मजबूरी थी। अच्छा पूरी हो गई? इस सोफे में कल मेरे पैसे अंदर चले गए। अंदर चले गए थे? जब से यहाँ बैठा हुआ हूँ अच्छा टटोलता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ कई दवाई से निकला वो पैसे मेरे हाथ में नहीं आ रहे अब वो आ गए मेरे हाथ में पर। तो यार तुम मुझे बाहर यहाँ पे गुलबर्ग पे पैन वाली दुकान नहीं है उधर कहीं मिल लेना वहीं चाय वाय पी लेंगे वहीं बातचीत कर लेंगे। अच्छा हम तो समझ रहे थे ये शो हो रहा है। नहीं शो नहीं। अच्छा ये एक मजाक है। ये एक मजाक है। ये हम क्या हो गया आपका हमारा मजाक है? देखिए ये मैं आपसे दिसंबर में अप्रैल फुल कर रहा हूँ। मजाक है ये ख्वाब है। ये ख्वाब है बहुत अच्छा ख्वाब है इसे चलता रहने दे। ये भी बड़ा अच्छा ख्वाब है जिस ख्वाब में एक परी भी आई हुई है। अभी तो मैंने परी का नाम ही ले लिया। हुआ नहीं अभी ना उड़े प्लीज। अच्छा जमीन आपके पीछे वो पीछे जो बैठा वो मुझे परी लगता है। इसलिए आपने उनको परे करके बिठाया हुआ है। बहुत ही परे। लेकिन इस वक्त की दुनिया में खुलूस मिल जाए ना कहीं तो फिर इंसान का दिल नहीं करता कि वो बात ख़त्म करे वो माहौल ख़त्म करे। लेकिन कुछ वक्त की पाबंदियां हैं। आपके साथ बैठना बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलना बहुत अच्छा लगा मैं मुझे ही अच्छा नहीं बल्कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा। और हम सब आपको बहुत शुक्रिया।
दिल की गहराइयों से प्यार करते हुए, बड़ी अपने दिल पे जबर करते हुए और इस बात के ऊपर वो करते हुए कि इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी, मैं अपने होस्ट, अपनी टीम, अपने टेक्नीशियन, अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर चैनल के साथ आप दोनों का बहुत मशहूर हूँ कि आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, शुक्रिया आपके आने का, शुक्रिया और जाते जाते आपके जाने का शुक्रिया।